दोस्तों, अगर आपको भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देखना पसंद है और तारक मेहता के जेठालाल, दया भाभी, टप्पू इन सबको देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एपीएम पिक्सेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज हमारे चैनल पर आपको क्रिकेट, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट, स्मार्टफोन्स, इन सबसे जुड़ी जो ताज़ा जानकारी है वो सबसे पहले देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा से दया भाभी जो है वो वापस जा चुकी हैं और उनका किरदार जो है वो अभी मिसिंग है। तो कई सारे लोग बोल रहे थे कि दया भाभी जो है वो बहुत ही जल्द वापस आने वाले हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, दया भाभी और वापस नहीं आएंगे, ये दोस्तों कन्फर्म न्यूज़ है। इसके साथ दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा है कि टप्पू की गर्लफ्रेंड, दोस्तों टप्पू की गर्लफ्रेंड जो है, जो पहले टप्पू का रोल करते थे भव्य गांधी, वो अभी तारक मेहता का शो जो है वो छोड़ के जा चुके हैं। अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नया टप्पू जो है वो रोल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जो पुराना टप्पू था भव्य गांधी, कई सारे लोग बोल रहे थे कि उसकी जो असली गर्लफ्रेंड है वो अभी की जो सोनू है यानी कि निधि भानुशाली, उनके साथ वो उनकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उनकी जो असली गर्लफ्रेंड थी वो कौन थी। तो दोस्तों, उनकी जो असली गर्लफ्रेंड थी उनका नाम था श्लोका मेहता, और ये जो लड़की थंबनेल में आप लोगों ने देखा, और वो टप्पू की असली गर्लफ्रेंड थी। और फिलहाल तो भव्य गांधी ये छोड़ के जा चुके हैं और उनका ब्रेकअप भी हो गया है श्लोका मेहता के साथ, उनके अभी नए गर्लफ्रेंड है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ दोस्तों आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।